डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ डेंगू और चिकनगुनिया आर सेल्फ लिमिटिंग, दे आर नॉट डेंजरस। द ओनली रीजन व्हाई वन शुड अप्रोच अ हॉस्पिटल इज व्हेन वन डेवलप्स द कॉम्प्लिकेशंस और बिफोर द कॉम्प्लिकेशंस द सीरियस सिम्पटम्स। वी नो दैट दीस डेज we are having so many fever cases and most of these fever cases have joint pain, muscle pain, high grade fever with chills. Most of these patients are either dengue or chikungunya. duniya chintit hai is bimari ke bare mein kyunki isme mahamari banne ki aashanka hoti hai. pichle 50 saal mein is bimari se hone wale marizon ki sankhya 30 guna badh chuki hai. aadhi duniya is bimari ki chapet mein hai. उत्तर भारत के कई हिस्सों में चिकनगुनिया की बीमारी से लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं और इस बीमारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम आपको इस बीमारी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देंगे। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसको फैलाने वाले मच्छर हैं एडीज इजिप्टियाई, जो कि डेंगू भी फैलाते हैं, और एडीज एल्बोपिक्टस। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं तेज दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना, मितली आना। बुजुर्ग लोगों को जोड़ों के दर्द ज़्यादा तंग कर रहे हैं। डेंगू या चिकनगुनिया फीवर के सिम्टम्स या लक्षण हैं फीवर, हाई ग्रेड बॉडी एक्स, इसको ब्रेक बोन फीवर इसीलिए बोलते हैं, शरीर में ऐसे दर्द होता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं, सर दर्द होता है, कुछ लोगों को नौजिया वॉमिटिंग भी हो जाता है। वेन शुड वी वरी इन डेंगू फीवर? इफ वन डेवलप्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, फ्रॉम गम्स, or blood vomiting or blood in stool, then immediately you need to see the doctor and go to the hospital. Or if you develop persistent vomiting or severe abdominal pain or rapid breathing, breathlessness, then you must see the doctor immediately. डेंगू बुखार होने पे कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला, सग अच्छे से आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, पानी बहुत पिए, जैसे कि नारियल पानी, जूसेस, सूप और हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों का सूप। तेज बुखार होने पर क्रोसिन या पैरासिटामोल की गोली का ही यूज़ करना चाहिए। अन्य दवाइयाँ जैसे कि निमोसलाइड या ब्रूफिन, ये बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। डेंगू से बचाव के कुछ साधारण उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम इस बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। पहला, अपने आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, सफाई का बेहद ध्यान रखें। दूसरा, सभी लोग पूरी बाजू के कपड़े पहनें और लोअर्स पहनें जिससे आपके पैर ढके रहें। तीसरा, पानी को कूलर में जमा ना होने दें। गर्मियों में हम अक्सर कूलर इस्तेमाल करते हैं और बचा हुआ पानी उसी में रह जाता है, तो कोशिश करें कि पानी इकट्ठा ना हो। आसपास के टूटे बर्तनों में, गमले में, नालियों में अगर आपके पास सुविधा हो तो उसके ऊपर तेल डाल सकते हैं जिससे मच्छर की जो मच्छर है वो पैदा ही ना हो। The infection rate of dengue is higher outdoor compared to indoors, and once you get dengue of one serotype, you get lifelong immunity from that particular strain of dengue virus. But that also makes you prone for severe immunological reaction or more severe dengue when next time you get infected with some other type of dengue virus. Medanta the Medicity ne is bimari ke prakop ko kam karne ke liye मिशन स्टॉप डेंगू की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत हम अब तक 10,000 से ज़्यादा स्कूली बच्चों से जुड़ चुके हैं जो इस बीमारी से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। एक अनूठा प्रयास, गांव भौंडसी की पंचायत के साथ मिलकर हम इस मिशन स्टॉप डेंगू को गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं ताकि गाँव के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसी प्रयास के तहत एक मोबाइल वैन, फीवर वैन भी चलाई गई है जो घर घर जाकर मरीजों की जांच कर सकती है जो इस बीमारी से पीड़ित हों। मेदांता द्वारा चलाई गई ये मुहिम मिशन स्टॉप डेंगू आज स्कूली बच्चों से जुड़ी है। स्कूल के बच्चे घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं कि मच्छरों से होने वाली चिकनगुनिया और डेंगू की बीमारियों से कैसे बचें। डेंगू बुखार की अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके लिए अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। आइए आप और हम सब मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की नई शुरुआत करें।